नमस्कार न्यूज़रूम लाइव को आपन को स्वागत करुछी मु स्मृति लग्ना झरा फुल झड़ी जिबा परे कथा उठिथिला राकेश रो झरा फुलंक बापा संगीन अभिजोग आनिथिले जे झियर मृत्यु पछरे राकेश रो हात रही थाई पारे तारो मोबाइल नंबर ट्रैक करबा पई झरा फुल रो मां बारंबार निवेदन करथिले ता परे सामना को असिला जे राकेश के एवं गतकाली राति रे राकेश थाना रे आत्मसमर्पण करिछि भुवनेश्वर एयरफील्ड थाना रे आत्मसमर्पण करिछि बापांक कहिबा कथा थिला युवतीक बापांक कहिबा कथा थिला जे राकेश एवं तांको झियो माने झरा फुल दुई जण भलो बंधु होइथिले गोटे काम करबा पई राकेश गां को जिबा बेले देखा होइथिला झरा फुलंक सहित तापरे मोबाइल नंबर एक्सचेंज करा होइथिला वीडियो कॉल रे से माने कथा होंती चैटिंग करंती तेनो प्रथम संदेह तांको ऊपर को जाइथिला सेबे पर्यंत राकेश रो ना सामना को आसी नथिला जेते पर्यंत झरा फुलंक बापा संगीन अभिजोग न आनिचंती तबे गतकाली राकेश को ना सामना को आसिला एवं गतकाली राती रे ही विलंबित राती रे एयरफील्ड थाना रे निजे आत्मसमर्पण करिचंती राकेश बाबद रे अधिक सूचना पई चालंत सीधा सलक ग्राउंड को जिबा हम प्रतिनिधि अछंती कविता एयरफील्ड थाना सम्मुख रे कविता वर्तमान रो अपडेट कोन कारण राकेश को पचरा उचरा करा गले ही स्पष्ट भाव रे जणा पड़िबो हत्याकांड पछरे कोन कारण रही थाई पारे जहा एबे पर्यंत अस्पष्ट होई रही छि देखो स्मृति लग्न लग्न जदि कहिबा आमे कि रमादेवी विश्वविद्यालय रो जो छात्री रही थे झराफुल नायक तांकर हत्या हत्या पछरे जो कारण रही तो वर्तमान पर्यंत अस्पष्ट अच्छी किंतु यदि कहिबा जो हत्याकारी जे रही राकेश से निजे आत्मसमर्पण करिछि एयरफील्ड थाना रे ता सहित कमिश्नर पुलिस जाजपुर पुलिस को हस्तांतर करिछि गिरफ्त करबा परे आ यदि कहिबा संपूर्ण कथा जेतेबेले झराफुल नायक को बापा रमाकांत नायक संपूर्ण तथ्य सामना को आनी थिले कहिथिले कि या पछरो कारण रही प्रेम संपर्क तांको झियो जे झराफुल रही राकेश को भल बंधु थे सहित से कथा होते फोन रे सहित वीडियो कॉल करुले चैटिंग करुले आते जोबले कथा सामना को आसूला माँ बापा दुईज जाक कहते फोन ट्रैक करा चैटिंग को ट्रैक करा कथा तथ्य आणुले जदि कह कथा गत काली जितेबाला सामना को आसला कि राकेश जितेबाला आत्मसमर्पण कला गोटे प्रश्न ये सामना को आसूची कि जदि प्रेम संपर्क दुईजों मध्य राकेश कहीं मारा झरा फुल को जदि झरा फुल को मारा क्योंठी मारा आ जाजपुर कहीं ना जदि जाजपुर ने सहित तो किए किए थे जो गोटे जो सीसीटीवी फुटेज सामना को आसूची कि दुई जन युवक रही मझे झरा फुल रही थी दृश्य सामना को आसी जदि कह कि आउ जो युवक जी रही सी किए सोनाली नामक जो युवती ना आसूँ सी किए आ कौन रही पचर संपूर्ण कारण वर्तमान कारण से सोनाली घर रही सत कि संप्रति कथा सामना को आसनी से दिगरे तदंत आरंभ हो कविता कि गोटे छोटिया कथा जो कथ कहते चैटिंग रहा वर्तमान जो चैटिंग हस्तगत हो गत काली दर्शकों को देखी आज से बाबद में टी अपडेट देवाई चाहिए आप देखिपे छटा पचास समय रही जितेबले झरा फुल भाई प्लीज पिकअप द फोन बोली लिखी झरा फुल अनुरोध करते फोन उठेबापी से भाई भाव में छटा पचास रु बारटा पैंतीस पर्यंत किसी भी कंटाक्ट हो पारे घर लोक घर लोक मैंने बारंबार व्यस्त होती घर लोक फोन कर चली जितेबले पिक करना छटा पचास रु भाई व्यस्त हो मेसेज पठाई प्लीज पिकअप द फोन बारटा पैंतीस रिप्लाय आसुची भाई मुझ ठीक अच्छी नेटवर्क प्रोब्लेम मो फ्रेंड घरे अच्छी तु व्यस्त हनी छटा पचीस अर्थात सका छटा पचीस भोर समय रे तो एड्रेस दे कहा फोन रिसीव करूनु तो सांग नंबर दे जदि तू कथा ही पारुनु तो ये थिला गोटे परिवार लोकों का कंसर्न जेतेबले झरा फुल निजे कथा होई पारे नांती एते गोटे लॉन्ग गैप होईची बारंबार समस्ते फोन करुछंती से उठो नांती सेठी संदेह दृढ़ीभूत होईथिला जे किछि अघटन हे जायनी तो आउ से संदेह परवर्ती मुहूर्त रे सत होईथिला वर्तमान कविता कोन सूचना रहूची राकेश को पचरा उचरा चालीची की
देखंतु जदि कहबा कि जो चैटिंग कथा जहाँ संपूर्ण चैटिंग आपण सुनाउथिले जदि कहबा कि 24 तारिख रे जेतेबेले मयूरभंज रो जसीपुर रो आसिले झराफुला आसिले भुवनेश्वर जो बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन पाई जेतेबेले आसिथिले सेतेबेले से कहा जो सोनाली नामक जो युवती तांको घरे सांग घरे रहिथिले और तापर गुटे चैटिंग आसिथिला तांको कांटेक्ट करिवा पाई मध्ये सो तांको घर लोक मध्ये चेष्टा करिथिले जापर जेतेबेले भुवनेश्वर बाणीबिहार से ओल्ह पड़ते बस रे घर को जीवा परिवर्तन से बाणीबिहार ओल्ह पड़ते बाणीबिहार ओल्हवा पर जितेबाला कंटाक्ट करने को चेषा करते कि पेट खराब थी और से बाणीबिहार ओल्ह गले पर दिन 26 तारीख अर्थात 26 तारीख में सूचना 26 तारीख में जवा परिवर्तन जाजपुर मृतदेह उधार होता जदि कह कि पचरे कौन सी ना कौन सी गोटे कथा रोचे जोटि की जहाँ राकेश सामना को आसी वर्तमान र जो तांको प्रेम संपर्क कथा आसुची बा बंधुत्व कथा आसुची जदि कहिबा कि ताहले ई घटना पछरे की काम की रही छन कविता सबटु आश्चर्य करूची घर होची मयूरभंज आसीथिले भुवनेश्वर मृतदेह मिलिला जाजपुर तीनोटी अलग अलग जगह एवं जदि प्रेम संपर्क रहितला परवर्ती मुहूर्त रे से संपर्क काहे कि एमिते रूप नेला एक कथा मध्य सामना को आसीची जे परिवार लोक प्रतिवाद करथले भाई मध्य प्रतिवाद करथले पूरा घटना जानिबा परे भाई झराफुलंक बापांक कहिथिले एवं ये प्रतिवाद कोठना कोठी सेमानक भितरे कलह सृष्टि करथिबो कि कौन कारण होइथाय पारे ए कारण खोजिबा पई पुलिस तदंत आरंभ करिछि चेष्टा चलेछि किंतु राकेश को जेतेले अधिक पचरा उचरा करा जिवो निश्चित भाबरे से आरो युवकंक कथा मध्ये जणा पडिबो जे सीसीटीवी रे दुई जण जक बाइक रे जाउछंती बा स्कूटी रे जाउछंती जो विजुअल आपण देखुछंती मृतदेह फिंगा जाउछि एवं जणे राकेश आउ जणे किए तांकर वर्तमान सुधा कोनसी पत्ता मिलि नाही बाबद रे अधिक आलोचना करबा चलंतु धर्मशाला प्रतिनिधि आनंद क पाख को जिबा जे मो सहित जोडी होइछंती आनंद आनंद वर्तमान सुधा आरो युवक जणकर कोनसी पत्ता मिलिलानी कि तांक परिचय मिलिलानी कि देखो स्मृति लग्न जेतेबेले राकेश जेतेबेले काली जेतेबेले एयरफील्ड थाना जेतेबेले आत्मसमर्पण जेतेबेले करिछि वर्तमान कुआख्या पुलिस वर्तमान काली राती रे नै आसिछंती थाना रे रखिछंती राती सारा ऑपरेशन आरंभ हो जाइछि एवं सखाळ पर्यंत जहां वर्तमान पर्यंत खबर अछि जे कोनोसे आउ द्वितीय व्यक्ति जे थिले जे स्कूटी रे थिले से पर्यंत सुधा अरेस्ट हे नांती किंतु जहां जणा पडुछि तांको जसीपुर तांको बापा तांको भाई तांको संपर्कीय माने वर्तमान आसी कुआख्या थाना अभिमुख वर्तमान बाहर छथि जसीपुर रु बाहर छथि से आसी कुआख्या थाना रे आसी पहुंचबे कुआख्या थाना रे पहुंचला परे किछ तांको फैमिली सहित किछ राकेश को नै किछ इंटरोगेशन हबो किछ पचरा उचरा हबो ता परे स्पॉट विजिट करिया पई आसामी के धर जाई परंती कुआख्या पुलिस किंतु जेतेबे कुआख्या पुलिस जेतेलो राती सारा तेल इंटरोगेशन करछि एपर्यंत स्कूटी को ठाबो करने जहां कि खबर आसी पहुंचि स्कूटी एपर्यंत ठाबो हे परिनी द्वितीय व्यक्ति जे से पुआ हो कि मा जियो हो से जे भी हेथाउ से एपर्यंत सुधा भी ठाबो हिनी किंतु जेतेबे गोटे प्रेम जनित संपर्क को नहीं आसीछि ये मर्डर टी जेतेबे आसीछि मर्डर मिस्ट्री रो आज खुलासा जाजपुर पुलिस पक्षरु आज प्रेस मीट करा दिबो प्रेस मीट करा सरला परे ए विषय रे सबिसत तथ्य जे दिबो आनंद जा सूचना रहिछि आज सीन रो रिक्रिएट मध्य करा जाई परे जेतु राकेश आत्मसमर्पण करिछि किभली भाबरे घटना भियाइला से पूरा कथा आज सामना को आसी परे प्रेस मीट को अपेक्षा रहिबो तबे गाड़ी रो नंबर कोन रहितला स्कूटी रो नंबर कोन रहितला जो युवक आउ जने थिले राकेश को सहित तांको मुह को लोकल लोक केहि चिन्ह छंती कि से दिगरे जानेबा पई पुलिस रो तत्परता बा तदंत को केमति देखिबा ना ना देखंतु वर्तमान पर्यंत जेहेतु काली राति रे एयरफील्ड थाना रु जेतेले कुआख्या थाना जेतेले नै कि आसी चंती राति सारा तंकर राकेश को नै कि इंटरोगेशन आरंभ होईची विभिन्न प्रकार प्रश्न होईची ते द्वितीय व्यक्ति किए से गाड़ी गाड़ी कार से गाड़ी रे नंबर केते जहां भी अछि सब सबिसत तथ्य अछि पुलिस पाखरे हस्तगत होई सारी चिकिन समान प्रकाश करि नांती किंतु जेते दु जणा पडुछ एटा प्रेस मीट हेले प्रेस मीट रे सब किति तथ्य प्रकाश करिवे किंतु गोटे गोटे कथा एठी उठुछ जेतेबेले राकेश जदि झराफुल को भल पाला ताले एत बड़ हत्याकांड घटला कहीं हत्याकांड होता कि जहाँ भी होता है भितर संपर्क थिला पांच वर्ष दीर्घ पांच वर्ष संपर्क थिला बापा कहवा अनुसार पांच वर्ष जेहेतु संपर्क थिला ताले ए भले आज परिस्थिति सृष्टि हला कहीं राकेश कौनसी ना कौनसी चापरे थिला ना तांका भितर किछि मिसअंडरस्टैंडिंग थिला ना कोन थिला तांकर सबिशेष घटना जेतेबेले पुलिस जेतेबेले प्रेस मीट करिवो डिटेल भाबरे सबो किछि तथ्य पदा को आसी
जहां हम कहि परबा स्मृति लग्न निश्चय आज महिला कमिशन रो गोटे टीम मध्य आनंद जाउचंती झरा फुलंकर गाँ को जोठारे से गाँ लोक सहित कथा बा विशेष करी परिवार लोक सहित कथा हुए तो आउ किछ तथ्य मध्य सामना को आसी पारे। हाँ देखंतु आज भी महिला कमिशन अध्यक्ष जी अच्छा सी भी आसी पहुँचे जशीपुर आसी पहुँचे शुणा जा जाजपुर भी आसी पारती जाजपुर जदि भी आसे तो कुआखिया थाना को विजिट भी करपारती से भी डिमांड रोच मुख्य आसामी जी रोचे डिमांड रे मुख्य आसामी निश्चित भाव में दंडित कठोर रु कठोर भाव में दंडित करते नारी सम्मान कथा जो उठू नारी सुरक्षार कथा जो उठू नारी सुरक्षा को लेकिन महिला कमिशन अध्यक्ष जी अच्छा सी भी अंटा भिड़ सी भिजिट कर मुख्य उद्देश्य रोचे जी नारी की असम्मान कर सुरक्षित भाव में रखा दे निश्चय कड़ रु कड़ा सजा निहाती दबा दरकार स्मृति लग्न निश्चय आनंद टिके अटकिया पई चाहे भी मु आसीबे आपन को पाखो कविता को पाखो को पूणी फेरबी कविता प्रत्येक खबर बा प्रत्येक घटना गोटे गोटे लेसन दिए एवं ये मध्य गोटे लेसन देइचि ना नाही युवा पीढ़ी को पई विशेष भाबरे जेतेले आपन घरु जाउचंती सबिशेष तथ्य आपन दबा कथा घर लोकन को आपन कोठी अछंती को जागा रे अछंती एवं अघटन घटि गला परे हाते रे किछि न थाय कविता वर्तमान रो अपडेट कौन तबे पुणि थरे आपन को कहि रखिया पई चाहिबे पूरा घटना घटना होउछि मयूरभंज रो एवं मयूरभंज रो झियो जाजपुर रो मृतदेह मिलिला आसीथिले भुवनेश्वर कोठना कोठी पूरा कथा जेतेबे सामना को आसिला घटना संदेह घेर को एथिपाई जाइथिला जे जाजपुर रो किभले भाबरे मृतदेह मिलिला तबे पूरा घटना रे इन्वेस्टिगेशन आरंभ होईछि प्रेसमीट आज होई पारे संध्या 4टा रो 5टा भितरे एवं प्रेसमीट उपरे नजर रहिछि कारण पूरा घटना रे कोन कारण रहिछि जदि प्रेम जनित संपर्क रहिथिला तबे काहे कि हत्यार रूप नेला एवं राकेश आत्मसमर्पण करिछंती जहांकर ना गत काली सामना को आसीथिला तबे राकेश आत्मसमर्पण करबा परे आउ एक ना मध्य सामना को खूब शीघ्र आसीबो कारण जो स्कूटी रे युवती जन को नेकि जाउछंती जार विजुअल सीसीटीवी रे कैद होईछि सेथिरे आउ जने युवक मध्य रहिछंती जहांकर परिचय पर्यंत मिलि नाही सिए किए राकेश को काहे कि सहयोग करथिले एवं सीन रो रिक्रिएशन मध्य करा जिवो जे किभले भाबरे झरा फुलों को हत्या करा गला सेठारे आज महिला कमिशन अध्यक्ष पहुंची पारंती जहां सूचना रही कविता जहां आप सूचना दौले राकेश वर्तमान पुलिस हेफाजत रही पचरा उचरा कर तेरे क्यों समय जाजपुर निजन रिक्रिएट कर बाबद किसी तथ्य मिलूँ कि देखो स्मृतिलग्न जदि कह कि गत काली जितेबले राकेश आत्मसमर्पण कला से तापर जाजपुर पुलिस जितेबले जाजपुर पुलिस को हस्तांतर कर सहित जदि कह पुलिस जितेबले संपूर्ण तथ्य देव प्रेसमिट कर ये संपर्क में संपूर्ण तथ्य देव आम कहीपर कि कौन घटना रही पुलिस राकेश को कौन कौन प्रश्न पचरा गला से उत्तर कौन रखिला कहीं से यह गोटे पदक्षेप ने जदि सोनाली जदि झरफुल सहित किसी बंधुत्व थिला प्रेम संपर्क थिला तहले कहीं से मारा पक्षर कारण कौन रही किए किए रही आ पक्षरे जदि झरफुल को मारिबार मारिबार कि भितर किसी मिसअंडरस्टैंडिंग होता है भुवनेश्वर में मारा ना केउठी मारा और कहीं ना जाजपुर यह पक्षर गोटे बड़ षड्यंत्र सामना को आसूँ जितेबाला पुलिस यापे गोटे संपूर्ण तदंत कलापर जो प्रेसमिट कर संपूर्ण तथ्य देव तापर जा जनापड़ कि कौन घटना ता सहित या सबू सबू स्तर निंदा कर देख जदि कह कि समस्ते कैंडल ये कर कैंडल यात्रा कर तदंत कर उपयुक्त न्याय मिलू बोली समस्त सब स्तर जे वर्तमान समस्त मनरे दुख गोटे परिवार कथा भावंतु गोटे गाँ कथा भावंतु जी निज हरैचे निजर माटीर झियो को एवं अपर पक्षरे आपण कहिबे रमादेवी छात्री माने मध्य दुख निजर दुख बयान करथिले जे निजर सहयोगी को हरैचंती सहपाठी को हरैचंती किंतु वर्तमान परिस्थिति रे हाते रे आउ किछि नाही कारण एठी युवा पीढ़ी को गोटे कथा शिखिबार आवश्यकता अछि आपण जदि
କରୁଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ଅଧିକ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ କରନ୍ତୁ ଆପଣ କୁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତାର ଡିଟେଲ ତଥ୍ୟ ଆପଣ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି ଇଏ ଗୋଟେ ଲେସନ ନା ନାଇଁ କବିତା ନିହାତି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କଥା କହିପାରିବା ଯେତେବେଳେ ଗତକାଲି ଯେତେବେଳେ ରମାଦେବୀ କଲେଜ ସାମ୍ନାରୁ ଆମେ କିଛି ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ବା ଯେଉଁ ଜୁନିୟର ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଗୋଟିଏ କଥା କି ଆମର ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ରହିଛନ୍ତି ଝରାଫୁଲ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର +3 ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷରେ ଛାତ୍ରୀ ରହିଥିଲେ ଫିଲୋସଫି ଅନର୍ସର ତ ତାଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ତଦନ୍ତ ପୋଲିସ ଉପରେ ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିପାରିବା କି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଥିଲେ ମହିଳାଟିଏ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ ଝିଅଟିଏ ରାସ୍ତାରେ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ ଯଦି ଆମେ ଆଜିକା 2021ରେ ଯଦି ଆମେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରିପାରୁନେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କେମିତି ଯଦି ଘର ଲୋକ ବା ବାପା ମାଆଙ୍କ କଥାକୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା କି ବାପା ମାଆଙ୍କ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିହେବ ଅନ୍ୟ କାହାରିକ କଥାକୁ ନୁହେଁ କାହା କଥାରେ ଫସିଯାଇ କାହା କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଯାଇ କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଯିବା କାହା ସହିତ ଇଏ କରିବା ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ବି ଯାଉଛନ୍ତି ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଦେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କବିତା ସବିଶେଷ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ରହିଥିଲେ ଧର୍ମଶାଳାରୁ ଯିଏ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ପୁରା ଘଟଣାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣାର ରହସ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ବାକି ଅଛି ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏ କାଣ୍ଡ ଭିଆଇଲା ରାକେଶ ଯଦି ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲା ପରିବାରର ପ୍ରତିବାଦ ରହିଥିଲା ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥିଲା ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ତେବେ କେଉଁଠି ଏହା ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ନେଲା କାହିଁକି ଏତେ ବଡ଼ ଏକ ରୂପ ନେଲା ଏବଂ ପୁରା ଘଟଣା ପଛରେ ରାକେଶ କେବଳ କାର୍ପଟଦାର ନା ଆଉ କିଏ ରହୁଛି ଯୁବକ ଜଣକ ଯିଏ ସ୍କୁଟିରେ ରାକେଶଙ୍କ ସହିତ ବସିଥିଲେ ସିଏ କିଏ ଏମିତି ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଘଟଣା ଛନ୍ଦି ହୋଇଛି ଯାହାର ଉତ୍ତରକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ ସମୟ ହୋଇଛି ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍ ଲାଇଭ୍କୁ ଏଠି ରଖିବା ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନମସ୍କାର।